हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के इस सीरीज़ में मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। मेडिवल हिस्ट्री अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पूर्व मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं। उत्तर भारत का इतिहास हम लोग देख चुके हैं और दक्षिण भारत का इतिहास का पार्ट वन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 60 क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो आज ये हमारा पार्ट टू है, जिसमें हम लोग 61 से लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन भी देख लीजिए, और आप प्लेलिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे तो आपके अब तक जो भी वीडियोस मैंने पढ़ाए हुए हैं, जो भी लूसेंट से, तो वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? चोल युग जो है ये किस लिए प्रसिद्ध था? धार्मिक विश्वास के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए, या राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, या फिर लंका से व्यापार के लिए? तो हमने ये पार्ट वन में भी पढ़ाया था मैंने आपको, और अभी भी बता रही हूँ कि चोल युग जो है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जो रामेश्वरम में, जिसने विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना राष्ट्रकूट में कृष्ण तृतीय थे, उनके द्वारा की गई थी, ठीक है, कृष्ण तृतीय के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांडे राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो मार्को पोलो जो एक वेनिस यात्री था, ये पांडे राज्य के भ्रमण के समय उस टाइम पे जो है शासक कौन था? तो मार्को पोलो ने जब पांडे राज्य का भ्रमण किया था उस टाइम जो है पांडे शासक कौन था? तो वो था मारवर्मन कुलशेखर। कौन था? मालवर्मन कुलशेखर था, जब मार्को पोलो ने पांडे राज्य का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? एलोरा के जो कृष्ण मंदिर का, ये कैलाश, सॉरी, कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये करवाया गया है कृष्ण प्रथम के द्वारा, ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है। कृष्ण प्रथम जो है वो राष्ट्रकूट वंश के, किस वंश के हैं? राष्ट्रकूट वंश के हैं। नेक्स्ट है, किसने मान्य खेत या माल खेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो मान्य खेत या माल खेत जो है इसको राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अमोघ वर्ष के द्वारा। अमोघ वर्ष ने जो है मान्य खेत या माल खेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। अमोघ वर्ष ये राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे, और ये जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अमोघ वर्ष जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की है? कवि राजमार्ग जो कि कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति है, कवि राजमार्ग, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? इसकी रचना की गई अमोघ वर्ष के द्वारा, जिसने मान्य खेत को राजधानी बनाया था राष्ट्रकूट का। अमोघ वर्ष इसी ने रवि राज जो मार्ग है इसकी रचना की है। ये कृति है रवि राजमार्ग, इसकी रचना किसने की है? अमोघ वर्ष ने की है। और ये जो कृति है ये चंपू शैली में है, चंपू शैली में किया गया है इसको। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? तो हमने जो पार्ट वन वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पल्लव थे, पल्लव काल में जो राष्ट्र या प्रांत था इसके प्रधान क्या कहलाते थे? राष्ट्रिक कहलाते थे, ठीक है। पल्लव में राष्ट्र के जो प्रधान होते थे वो राष्ट्रिक कहलाते थे, लेकिन राष्ट्रकूट काल में जो राष्ट्र के प्रधान होते थे वो राष्ट्रपति कहलाते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रधान को क्या कहते थे? राष्ट्रपति कहते थे, और पल्लवों के टाइम पे राष्ट्रिक कहा जाता था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल किस राजवंश का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों का जो राजवंश है ये कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। शास्त्रीय परंपरा जो है ये राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जो है इनके, इन्होंने जो कविराज की कृति की है, कविराज मार्ग, इसकी कृति अमोघ वर्ष ने की है, इसी से शुरुआत हुआ था शास्त्रीय परंपरा का, ठीक है, इन्होंने ही पहले किया था। तो किस राजवंश का जो है काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूटों का माना जाता है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो अमोघ वर्ष की कृति रवि राजमार्ग से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो वो कौन सा राष्ट्रकूट कालीन है जो त्रिरत्न में शामिल नहीं है कन्नड़ साहित्य के? तो पंप पुन
पंप, पुन और रन, ये तीनों जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। सायन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो पंप, पुन और रन ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट सुमिलित करना है, ग्रंथकार है और ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है ये बताना है। ग्रंथ आदि पुराण, आदि पुराण जो ये ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये पंप पंप के द्वारा लिखा गया है। शांति पुराण पुण्य का है, अजीत पुराण जो है ये रन का है, अमोघ वृत्ति शाक्यायन का है, ठीक है। आदि पुराण पंप, शांति पुराण पुण्य, अजीत पुराण रन और अमोघ वृत्ति शाक्यायन। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रकुलीन राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ से मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन जो स्थापत्य कला है इसके नमूने हमें मिलते हैं एलोवेरा और एलिफेंटा, इन दोनों से ही मिलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने हमें एलोरा और एलिफेंटा दोनों ही जगहों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट रावण की खाई, दशा अवतार, कैलाश गुफा का मंदिर आदि ये सब कहाँ पे मिलते हैं। रावण की खाई, दशा अवतार, कैलाश गुफा का मंदिर ये सब हमें मिलता है एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफा में जो है टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें रावण की खाई गुफा संख्या 14 में मिलता है, दशा अवतार गुफा संख्या 15 में और कैलाश गुफा मंदिर जो है ये गुफा संख्या 16 से हमें मिलता है। तो ये तीनों कहाँ पे मिलता है, एलोरा में मिलता है। नेक्स्ट है बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित जो गुफाएं हैं वो कौन है, वो है एलिफेंटा। एलिफेंटा की जो गुफा है वो बम्बई से 6 मील दूर धारापुर नगरी में स्थित है, ओके। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांडे तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो चोल जो है, चोलों ने पांडे तथा चेरों को शासकों को पराजित किया था और प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ये कथन सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी और कुछ क्षेत्रों को जीता था, ये कथन भी सही है। तो सही कथन हमें बताना है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। सो गाइज हम लोग पढ़ तो रहे हैं, आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। सो प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा चीज़ है कि रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। तो मैं जैसे डेली मैं कोशिश कर रही हूँ डेली ही वीडियो लाऊं, ताकि जल्द से जल्द आप लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग भी उसी तरह से मेहनत कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। 2 बार 3 बार क्वेश्चंस को पढ़िए, तभी आपको जो है याद रहेगा। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर भूल जाइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसाल जो स्मारक है ये कहाँ पाए जाते हैं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलेबिड और बेलूर में, ओके। नेक्स्ट है चोलों के द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। चोलों ने जो है किसके साथ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो चोलों ने राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वेंगी के चालुक्यों के साथ। किसके साथ किया था, वेंगी के चालुक्यों के साथ किया था। नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित नटराज्य की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है प्रायः। चोल काल में जो नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित है ये किस आकार की है, ये चतुर्भुज है, प्रायः चतुर्भुज आकार की मिलती है, तो वही पूछ रहा है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है वो चतुर्भुज आकृति की है। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव जो है ये किसके द्वारा डाली गई थी। तो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा डाली गई थी, विजयालय के द्वारा डाली गई थी। नेक्स्ट है सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था। तो ये जो उपाधि है करों को हटाने वाला या सुगंध वृत्त, ये उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था। ये उपाधि धारण किया था राजेंद्र तृतीय कुलंतुंग चोल प्रथम ने, ठीक है। राजेंद्र तृतीय जो है इनका नाम कुलंतुंग चोल प्रथम भी है, इन्होंने सुगंध वृत्त नाम की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब है करों को हटाने वाला। तो ये जो उपाधि है, राजेंद्र तृतीय ने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता देने के बाद ही इन्होंने ये जो उपाधि है सुगंध वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला, ये उपाधि धारण किया था।
नेक्स्ट है ग्रंथ है और ग्रंथकार है वो बताना है। पेरियर पुराणम, पेरियर पुराणम जो ये ग्रंथ है इसके ग्रंथकार कौन है, इसको किसने लिखा है? पेरियर पुराणम को लिखा है सिक्की कलार ने, ठीक है, सिक्की लार ने लिखा है। वीर सोलियम को लिखा है बुद्ध मित्र ने। कली गतु पढ़नी को लिखा है जय गोंदन ने, ठीक है। याद रखिएगा पेरियर पुराणम सिक्की लार ने लिखा है, वीर सोलियम बुद्ध मित्र ने लिखा है, कलिंग तुपर्णी लिखा है जय गोंदन ने। सो ऑप्शन सी हमारा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू एंड सी का थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल राज्य की राजधानी तंजौर को किसने बनाया था? तंजौर को जो है चोल राज्य की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, क्वेश्चन यही है। तो चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाया था विजयालय ने, ठीक है, विजयालय ने जो है तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया था। विजयालय ने पांडे शासकों से तंजौर को छीन करके उड़ैयूर के स्थान पर इसे अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। तो पहले जो चोल राज्य की राजधानी थी वो उड़ैयूर थी, लेकिन विजयालय ने क्या किया, उड़ैयूर से तंजौर स्थानांतरित कर दिया अपनी राजधानी को, ठीक है, पांडे शासकों से तंजौर को छीन करके। और तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में जो है विजयालय ने नरकेसरी उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी उपाधि धारण की थी। ओके, नेक्स्ट है चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो विजयालय जो है ये किसका सामंत था? विजयालय सामंत था पल्लवों का, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो चोल राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने, वो पल्लव सामंत का था, और इसने राजधानी किसको बनाई थी? तंजौर को बनाई थी, उड़ैयूर से तंजौर स्थानांतरित की थी। तो इसने ये स्थापना कब किया था? तो ये किया गया था 846 ईस्वी में। कब किया गया था? 846 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? चिदंबरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का जो निर्माण है ये करवाया गया था प्रांतक प्रथम के द्वारा। प्रांतक प्रथम ने चिदंबरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्थन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्थन के साथ प्रारंभ करने की जो परंपरा है इसका सूत्रपात जो है वो किया गया था राजराजा प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजराजा प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रृंखलाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? तो वो कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण किया था और राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? तो वो चोल शासक था राजराजा प्रथम। कौन था? राजराजा प्रथम था, जिसने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण किया था और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था, राजराजा प्रथम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की थी। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया? तो राजराजा प्रथम ने जो है वो श्रीलंका को जीतने के बाद मुंडी चोल मंडल के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। किस नाम से बनाया था? मुंडी चोल मंडल नाम से एक चोल साम्राज्य का प्रांत बनाया था और मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की थी। तो उसने राजधानी किसको बनाया था? राजधानी उसने बनाया था पोलनरुआ को। पोलनरुआ को उसने राजधानी बनाया था मुंडू चोल मंडल के नाम से प्रांत बनाने के बाद। इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? पोलनरुआ। और उपाधि क्या धारण किया था? मुंडी चोल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? तो चोलों की जो है पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय थी, इसको करने एवं नौसेना के गठन का जो श्रेय जाता है वो भी राजराजा प्रथम को ही जाता है। सो राजराजा प्रथम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया है? तो वो कौन सा चोल शासक था जिसने अपने विजयों का जो समापन है, जो अंत है, वो मालदीव द्वीप समूह से की विजय से किया? मतलब कि उसने
मालदीव को सबसे मतलब अपने विजयों का जो समापन है, मतलब सबसे अंतिम जो उसकी विजय थी वो मालदीव थी, ठीक है। मालदीव को भी उसने जीत लिया था, तो अपने विजयों का जो समापन है वो मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था। वो कौन सा शासक था? वो था राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम के बारे में हमने देखा, उसने श्रीलंका को भी जीता, तो उसने उसका जो सबसे आखिरी जो उसने सबसे अंतिम विजय किया था वो मालदीव को किया था, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है विजयों का समापन वो मालदीव द्वीप समूह से किया था, ये राजराजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था, ये राजराजा प्रथम ने ही कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार करके श्रीलंका विजय को पूरा कर दिया? तो श्रीलंका को तो जीता था राजराज प्रथम ने, लेकिन जो थोड़े बहुत जो भी भाग बचे हुए थे श्रीलंका के, उसको भी जीत करके श्रीलंका को पर पूर्ण विजय किया था। ये किसने किया? ये राजेंद्र प्रथम ने किया। ये राजेंद्र प्रथम कौन था? राजराज प्रथम का पुत्र था, ठीक है। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के जगहों पर अधिकार कर लिया था, जो भी थोड़े बहुत बचे थे उसको भी राजेंद्र प्रथम ने जीत करके पूर्ण अधिकार कर लिया, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम कौन था? राजराज प्रथम का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो कौन शासक था जिसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम नगर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है, किसने कलिंग ओट तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने, वो कौन सा शासक था जिसने कलिंग ओट तथा बंगाल के पालों पर आक्रमण किया और जो तमिल प्रदेश से किया गया, मतलब कि वो दक्षिण दक्षिण का शासक था और उसने कलिंग ओर तथा बंगाल के पालों पर आक्रमण किया और इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है लेकिन दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो ऐसा भ्रम था कि उत्तर के जो शासक हैं वो दक्षिण को विजित कर सकते हैं लेकिन दक्षिण वाले उत्तर को नहीं विजित कर सकते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ दिया किसने? इस भ्रम को तोड़ा राजेंद्र प्रथम ने कलिंग ओर तथा बंगाल के पालों पर आक्रमण करके, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने इसको तोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयंतुंग वर्मा को पराजित किया था? निकोबार द्वीप समूह पर व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कराडम आधुनिक केदा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। तो वो कौन सा शासक था जो इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयंतुंग वर्मा को पराजित किया और निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? तो वो कौन सा शासक था? वो भी राजेंद्र प्रथम ही था। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा का विजय किया था और वहाँ के शासक संग्राम विजयतुंग वर्मा को पराजित किया और निकोबार द्वीप और मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार किया था राजेंद्र प्रथम ने, जो कि राजराजा प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा, किसने भेजा था? तो लगभग 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था। ये भेजा था कुलंगतुल चोल प्रथम ने। कुलंगतुल चोल प्रथम जो राजेंद्र तृतीय, जिसका नाम है राजेंद्र तृतीय, कुलंगुल चोल प्रथम ने भेजा था। तो मे बी यहाँ पे अगर राजेंद्र तृतीय रहे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कुलंगतुल चोल प्रथम भी उसी का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पेरुदरम, पेरुदरम कौन होता था? पेरुदरम जो है वो उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। ओले नायकम जो है मुख्य सचिव होते थे और विदेयाधिकारी प्रेषण लिपिक होते थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पेरुदरम जो है उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे, सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे, ओले नायकम मुख्य सचिव होते थे और विदेयाधिकारी जो है प्रेषण लिपिक होते थे। सो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको भी सुमेलित करना है, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और उसके समतुल्य। मंडलम, मंडलम मंडलम क्या होता था? मंडलम होता था प्रांत।
वलनाडु या कोट्टम होता था कमिश्नरी, नाडु जिला होता था, कुर्रम ग्राम समूह होता था। तो चोलकालीन प्रशासनीय विभाजन नहीं है, मंडलम क्या होता था, प्रांत होता था, वलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी होती थी, नाडु जिला होता था और कुर्रम ग्राम समूह होता था। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी सुमेलित करना है। उड़ार, उड़ार क्या होता, उड़ार जो था उड़ ग्राम की सभा होती थी, यानी सामान्य ग्राम सभा होती थी, उड़ ग्राम, उड़ार क्या होता था, उड़ ग्राम सभा होती थी। सभा, महासभा या पेरुंग गर्मी जो होता था वो चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा होती थी। तो ब्राह्मणों को जो दान में गांव दिया जाता था उसको क्या बोलते थे, चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, इसकी जो सभा होती थी उसको सभा, महासभा या फिर पेरुंगुड़ी कहते थे। नगर के व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे, शिल्पियों की सभा को पुंग कहते थे। ठीक है, पुग कहते थे शिल्पियों की सभा को, नगरम कहते थे नगर के व्यापारियों की सभा को, सभा, महासभा या पेरुंगुड़ी कहते थे ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव की सभा को, जिसको चतुर्वेदी मंगलम ग्राम भी कहते हैं, और उड़ार कहते थे उड़ ग्राम की सभा को, यानी जो सामान्य ग्राम होता था उसकी सभा को कहते थे। सो ऑप्शन ए राइट होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट है, महासभा की कार्यकारी समिति को क्या कहा जाता था, महासभा की कार्यकारी समिति को वरियम कहा जाता था, वरियम कहा जाता था महासभा की कार्यकारिणी समिति को। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से पता चलती है, तो ये पता चलती है उत्तर मेरुर के अभिलेख से, उत्तर मेरुर के अभिलेख से जो है महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, उत्तर मेरुर। नेक्स्ट है, चोल काल में कड़ीमे का अर्थ क्या था, चोल काल में कड़ीमे का अर्थ होता था भू राजस्व या फिर लगान, कड़ीमे का क्या अर्थ होता था, भू राजस्व या फिर लगान। नेक्स्ट है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, नौसेना का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो युद्ध में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते थे, विशेष पराक्रम दिखाते थे, उन योद्धाओं को किस नाम से उपाधि दी जाती थी, क्षत्रिय शिखामणि, कौन सी उपाधि दी जाती थी, क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट, परैया का क्या अर्थ है, परैया का अर्थ है अछूत। नेक्स्ट, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, चोल काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था कुलंजू, कुलंजू कहा जाता था चोल काल में सोने के सिक्के को। नेक्स्ट, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी, राज्य की स्वामित्व वाली जो भूमि है वो चोल काल में कहलाती थी प्रभु मान्यम, प्रभु मान्यम कहलाती थी। नेक्स्ट, चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था, हिरण्य गर्भ नामक त्यौहार का जो आयोजन है ये चोल काल में किया था लोकम महादेवी ने, लोक महादेवी ने किया था, किसने किया था, हिरण्य गर्भ नामक त्यौहार का आयोजन लोक महादेवी के द्वारा किया गया था। ये लोक महादेवी कौन थी, ये विक्रम आदित्य द्वितीय की पत्नी थी, विक्रम आदित्य द्वितीय की पत्नी थी लोक महादेवी, जिसने हिरण्य गर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था। नेक्स्ट, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलंतुल चोल प्रथम या उपर्युक्त सभी। तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलंतुल चोल प्रथम, जो राजेंद्र तृतीय हैं, ये तीनों ही जो हैं चीन में राजदूत भेजने वाले सम्राट हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाना देसी निगम क्या था, नाना देसी निगम क्या था, नाना देसी निगम था दूर दूर के परदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाली व्यापारियों का निगम। दूर दूर से परदेशों और विदेशों के साथ जो व्यापार करने वाले व्यापारी होते थे वो नाना देसी निगम कहलाते थे। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलावदी फग्र यूसन ने किसके बारे में कहा कि है, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौरियों की तरह उसे पूरा किया। तो फग्र यूसन जो है इन्होंने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौरियों की तरह उसे पूरा किया। तो ये कथन कहा है उन्होंने चोल स्थापत्य कला के बारे में कि उस काल के जो कलाकार थे उन्होंने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला के बारे में ये कथन किसने कहा है, फग्र यूसन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तंजौर का वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर जो मंदिर है तंजौर का ये किस देवता को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है।
नेक्स्ट है गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का जो ये निर्माण है ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट है चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चोलकालीन तमिल के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? कुंबन कुट्टन पुगलेंदी। कुंबन कुट्टन पुगलेंदी जो है ये चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न है, इसमें शामिल कौन नहीं है? जय गोंदर जो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना ग्रंथकार है और ग्रंथ है रामायण या रामावतार। ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? रामायणम या रामा अवतारम। रामायणम या रामा अवतारम जो ये ग्रंथ है ये लिखा है कुंबन या कंबन ने, ठीक है। पिल्लई तमिल कुट्टन या ओट कुट्टन ने लिखा है। नल बेम्बा पुगलेंदी ने लिखा है, ठीक है। पुगलेंदी ने नलबेम्बा लिखा है। कुट्टन ओट कुट्टन पिल्लई तमिल ने लिखा है और कुंबन कंबन ने क्या लिखा है? रामायणम या रामा अवतारम। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रिगार्ड से दीपिका रिंगवेद पर टीका की रचना की है? रिंगवेद पर टीका की रचना यानी कि रिगार्थ दीपिका ये किसने की है? ये किया है वेंकट माधव ने रिंगवेद पर टीका की रचना की है। चलिए नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है राजवंश है और राज्य क्षेत्र है। काकतीय राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? काकतीय राजवंश का राज्य क्षेत्र था वारंगल आंध्र प्रदेश। यादवों का देवगिरी महाराष्ट्र था। होयसल का द्वार समुद्र कर्नाटक था और शीलाहार का कोंकण महाराष्ट्र था। काकतीय का वारंगल आंध्र प्रदेश था। यादव का देवगिरी महाराष्ट्र था। होयसल का द्वार समुद्र कर्नाटक था और शीलाहार का कोंकण महाराष्ट्र था। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है राजवंश दिया है और उसके वास्तविक संस्थापक हैं। काकतीय राजवंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है? काकतीय के संस्थापक हैं प्रोल राज द्वितीय। यादव राजवंश के संस्थापक भिल्लम पंचम है। होयसल के संस्थापक विट्टिक देव विष्णुवर्धन। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रांबा ये किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। रुद्रांबा का विवाह किसके साथ हुआ था? चालुक्य राजकुमार वीरभद्र के साथ हुआ था। रुद्रांबा किसकी पत्नी थी? चालुक्य राजकुमार वीरभद्र की पत्नी थी और ये काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या है? तो राजराजा प्रथम के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो इनका जो मूल नाम है वो क्या है? इनका मूल नाम है अरिमोली वर्मन जो है ये राजराजा प्रथम का मूल नाम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से क्योंकि राजराजा प्रथम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हमने देखे भी हैं। तो इनका मूल नाम याद रखिएगा, अरिमोली वर्मन जो है ये राजराज प्रथम का मूल नाम है। उसने अपने पितामह प्रांतक प्रथम की लौह एवं रक्त नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की थी। तो इनका नाम अरिमोली वर्मन था लेकिन इन्होंने अपने पिता जो थे इनके प्रांतक प्रथम इनकी लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सो इनका मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। नेक्स्ट है वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में ये वाला पॉइंट आपको बताया था कि राजेंद्र तृतीय जिनको कोलंगतुल प्रथम कहते हैं, इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था सिंहल राजकुमार के साथ। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोलंगतुल प्रथम। सो गाइज हमने दक्षिण भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग सारे वीडियोज़ देख लेंगे जो भी मैंने बताए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ पे और भी प्लेलिस्ट मिलेगा, तो मे बी आपके कोई काम का हो। या फिर अगर आपको लूसेंट का भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के नाम से या लूसेंट हिस्ट्री भी है, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो आई होप कि आप लोग सारे वीडियोज़ देखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।